हाय दोस्तों, आईटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जब से आपने अपने स्मार्टफोन को खरीदा है तब से लेकर अभी तक आपने अपने स्मार्टफोन में कितनी ऐप इंस्टॉल की होगी, कोई हिसाब है? कोई हिसाब नहीं है। अभी तक आपने हजारों ऐप अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल की होगी और उसे अनइंस्टॉल भी कर दी होगी। बट एक बात आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि अगर आप किसी ऐप को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करते हैं और एक बार अगर आप उस ऐप को ओपन कर लेते हैं और उसे अगर आप अनइंस्टॉल भी कर देते हैं तो उस ऐप के कुछ फोल्डर आपके स्मार्टफोन में सेव हो जाते हैं। और इन फोल्डर में कुछ होता नहीं है, ये फोल्डर बिल्कुल खाली होते हैं, यानी कि एम्प्टी होते हैं। बट इनकी एक साइज होती है। अगर हम बात करें फोल्डर की साइज की तो ये 1 KB से लेकर 10 KB तक के हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके स्मार्टफोन स्टोरेज को रोक रहे हैं। और सिंपल, अगर आपके स्मार्टफोन की स्टोरेज फुल होगी तो आपका स्मार्टफोन भी स्लो होने लगेगा। अब यहां पर एक और बात आप सुन लीजिए कि कुछ ऐप ऐसी होती है जो इन टेंपरेरी यानी कि इन एम्प्टी फोल्डर में भी कुछ डेटा फाइल रखकर अनइंस्टॉल हो जाती है। अभी जो डेटा फाइल है ये भी 1 KB से लेकर 1 MB या फिर 100 MB तक की भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी ऐप को अनइंस्टॉल कर रहे हैं और वो किस तरह के डेटा आपके कलेक्ट कर रही थी। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि कैसे हम इन एम्प्टी फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं हमारे स्मार्टफोन से। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप फाइल मैनेजर में जाके इन फोल्डर को डिलीट कर दें तो मैं आपको बता दूं कि आपके स्मार्टफोन में आपको ये एम्प्टी फोल्डर देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर मिल भी जाएंगे तो आप कितने डिलीट करोगे, क्योंकि ये आपके स्मार्टफोन में आई थिंक 400-500 हो सकते हैं या फिर उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितनी ऐप को अनइंस्टॉल कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा या फिर मैं कहूंगी एक ऐसी ऐप के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप कुछ ही सेकंडों में अपने स्मार्टफोन के सारे एम्प्टी फोल्डर डिलीट कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ एक क्लिक करना होगा और जितने भी फोल्डर वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। तो अगर आप अपने स्मार्टफोन की स्टोरेज को बढ़ाना चाहते हैं, इन सभी टेंपरेरी या फिर इन एम्प्टी फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं, अपने स्मार्टफोन की स्पेस को काफी हद तक क्लीन करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम इरफान और आप देख रहे हैं हाईटेक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और खास करके इस नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि अगर ये ऑन होगा ना तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो एग्जैक्ट उसी टाइम पर उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी होगी जिसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर डायरेक्ट आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सिंपल है, आप इस ऐप को ओपन कीजिए। ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको 3 तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें सबसे पहला होगा स्कैन एम्प्टी फोल्डर्स और उसके बाद होगा डिलीट एम्प्टी फोल्डर्स और तीसरा आपको मिलेगा डिलीट एम्प्टी फोल्डर। बट इसके लिए आपको अपना स्मार्टफोन रूट करना होगा और ये होगा एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए। बट फिलहाल अभी आपको इस पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ देनी होगी परमिशन, तो आप सारी परमिशन दे दीजिए। परमिशन देने के बाद यहाँ पर स्कैन जो है वो शुरू हो जाएगा। अगर स्कैनिंग शुरू नहीं होता है तो आप एक बार फिर से स्कैन एम्प्टी फोल्डर पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके स्मार्टफोन में जितने भी एम्प्टी फोल्डर हैं वो सारे स्कैन होना शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कैनिंग जो है वो शुरू हो चुका है और कुछ ही सेकंडों में ये स्कैनिंग भी जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये ऐप काफ़ी तेजी से आपके स्मार्टफोन के सभी एम्प्टी फोल्डर को स्कैन कर लेती है। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आपके स्मार्टफोन में किन किन ऐप के एम्प्टी फोल्डर अभी तक सेव थे, तो यहाँ पर आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। और इन सभी फोल्डर को डिलीट करने के लिए सिंपल है, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सारे फोल्डर जो है वो डिलीट हो जाएंगे। अगर एक बार में ये डिलीट नहीं होते तो आप दोबारा से डिलीट वाले बटन पर क्लिक करके इन सभी फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या ये फोल्डर परमानेंट डिलीट हो चुके हैं। हम एक बार फिर से यहाँ पर स्कैनिंग वाले बटन पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि क्या कोई फोल्डर डिटेक्ट होता है। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और बूम, आप देख सकते हैं पूरा फोल्डर जो है वो स्कैन तो हो चुका बट यहाँ पर 0 फोल्डर जो है वो डिटेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये ऐप अच्छे से काम करती है, ये ऐप परमानेंट आपके सभी एम्प्टी फोल्डर को जो है वो डिलीट करती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने WhatsApp के सभी ग्रुप में ताकि सभी लोग अपने स्मार्टफोन के एम्प्टी फोल्डर को डिलीट कर पाए और अपने स्मार्टफोन की स्टोरेज को बढ़ा पाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो यार प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर से कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, टेक केयर, बाय।